बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज है जुम्मे का दिन और हम जाने लगे थे आज अम्मी की तरफ। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। आज जो मैंने अपना ये ड्रेस देखा है, ये आप देख रहे हैं, ये आज मैंने अपना ड्रेस जो है वो पहना है। और ये जो चप्पल है ये मेरी घर की है। आप लोग ये ना कह के रूम में चप्पल लेके आई, घर की चप्पल है। वैसे मैं रूम में नहीं लेकर आती, बस अभी हम निकलने लगे थे तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ और फिर जी बस निकलते हैं। तो ये अपना मैंने आज ड्रेस पहना, बहुत अच्छा। मुझे ऐसे वन पीस के ड्रेस जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल बहुत मतलब चल भी रहे हैं। और ये मैं तारिक रोड से लाई थी, ईद में लाई थी। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे चैनल पर मतलब न्यू आए हैं, तो दिल से आप लोगों का जी शुक्रिया एक बार फिर से। और अल्लाह ताला बस मेरे ऐसे ही मेरी हेल्प होती रहे और मेरा भी चैनल जो है वो ग्रोथ कर जाए। तो बस चले जाते हैं, फिर निकलते हैं अम्मी की तरफ। बच्चे भी रेडी हैं और फिर देखते हैं वहाँ वीडियो बनती है कि नहीं बनती है। चले फिर आगे से जो अपना व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। बस हम लोग अब निकलने लगे थे और फिर जी यहाँ पे आ चुके थे हम लोग अम्मी के घर पे। और भाभी ना खाने में बना रही थी चिकन पुलाव, और साथ में उसने सालन में भाभी ने बनाई थी भिंडी। तो बस बहुत अच्छा खाना था, माशाल्लाह माशाल्लाह से। भाभी जो भी कोई खाना बनाती है ना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा बनाती हैं। तो बस अभी हम लोग ये खाना खाएँगे जब बन जाएगा। और हानिया मेरी जो बहन है वो भी आई हुई थी, उसकी छोटी मुन्नी आई हुई थी। तो हम लोग दोनों बहनें आई थी यहाँ पर, और जी भाभी यहाँ पे खाना बना रही थी। मैं जी कह रही थी आप ज़रा नमक चख लें, तो यहाँ पे मैं नमक चखने आई, तो मैंने कहा चलो जी वीडियो भी बना लेते हैं। तो खाना खाने के बाद आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो लाइट जो है वो चली गई थी। तो फिर जी ये मेरी हानिया बहन ने बनाई थी लस्सी। तो अब यहाँ पे हम बैठ के आराम से ना लस्सी पी रहे थे और खूब सारी ढेर सारी बातें कर रहे थे। जब सब बहनें भाभी अम्मी सब इकट्ठे होते ना तो फिर जी बातें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो फिर घर आने के बाद आसिफ जो है आज जल्दी आ गए थे जॉब से, तो वो आते हुए ना ये चनों का सालन लेकर आए थे। चने थे, सालन भी कह लें, चाट जैसे भी प्याज वगैरह डला हुआ था, मतलब अच्छा था। तो यहाँ पे आसिफ को फिर मैंने जल्दी से बना के दी थी रोटी। फिर जी आसिफ ने खाना खा लिया, और फिर यहाँ पे जो भी आप ये चावल देख रहे ये है मसर की बिरयानी बन रही थी, मसर पुलाव कह लें बिरयानी कह लें। तो मेरे देवर ने ना नीचे रखी थी महफिल मिलाद, तो नीचे घर के आगे ही मतलब टेंट लगाया था तो उसमें रखी थी, आदमियों की थी लेडीज़ की नहीं थी। तो उनके लिए हम लोग बना रहे थे यहाँ पे मसर पुलाव, मसर बिरयानी या मसर पुलाव कह ले। तो मेरी सबसे बड़ी जो जिठानी है ना वो बना रही थी, और ये जो फ्लोर है ना ऊपर का तो अभी मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। तो अभी जी ये नीचे देख लें, नीचे सारे लोग मतलब आए हैं। अभी यहाँ पे आप कम देख रहे हैं, फिर तो काफ़ी सारे आहिस्ता आहिस्ता मतलब आते रहे थे, तो सब यहाँ पे बाहर बैठे हुए थे। तो ये बहुत अच्छा माशाल्लाह से हो गया था। और बिरयानी, मसर बिरयानी जो है वो हम लोगों ने घर में बनाई थी, मेरी मतलब के जिठानी और मेरी देवरानी ने दोनों ने मिल के मतलब बनाई थी, तो मज़ेदार सी बनी थी, अच्छी बनी थी। तो फिर इसीलिए खाना तो मैंने बनाया नहीं था, वही खाने थे हम सब ने भी, और बाहर भी मतलब वही खिलाए थे। रात काफ़ी हो गई थी, रात के मतलब के 12 बज गए थे। कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं भाई ताला तेरे जिक्र की मजलिस से आ रहे हैं। तब ताला फरमाता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं भाई ताला तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। तब ताला फरमाता है क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं भाई ताला तेरे बंदों ने तुझे नहीं देखा। तब ताला फरमाता है अगर मेरे बंदे मुझे देख लेते क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं भाई ताला और तेरा जिक्र करते और तेरी हमको सना करते। तब ताला फरमाता है और क्या चाहते थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं भाई ताला तेरी जन्नत के तरफ गार थे, जन्नत का सवाल करते थे। तब ताला फरमाता है क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत
जन्नत को देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला तेरे बंदों ने तेरी जन्नत को नहीं देखा। रब ताला फरमाता है, अगर मेरे बंदे मेरी जन्नत को देख लेते क्या करते। फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला जन्नत के शोक में और नहीं क्या करते, और तेरी हम तो सदा करते। रब ताला फरमाता है, वो क्या चाहते थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला तेरी जन्नत को तेरी पना चाहते थे। रब ताला फरमाता है, क्या मेरे बंदों ने तेरी जन्नत को देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला तेरे बंदों ने तेरी जन्नत को नहीं देखा। रब ताला फरमाता है, अगर मेरे बंदे मेरी जन्नत को देख लेते क्या करते। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बिरयानी मसर बिरयानी जो है वो निकाल रही थी दुआ के लिए, बाहर जो है वो दुआ हो रही थी तो उसके लिए मैं यहाँ पे निकाल रही थी। आप देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी लग रही है, देखने से बिना मुंह में पानी आ गया। तो फिर सबको अभी हम लोग बाहर जो सब मतलब आए हैं महफिल में, तो उन सबको अभी हम लोग ये नियाज जो है वो खिलाएंगे। और फिर उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी खिलाते पिलाते, फिर मतलब सब समेटते समुटते हम लोगों को 12:30 बज गए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा, और खुश रहें जहाँ भी रहें, और अपनी दुआ में आप लोग मुझे भी याद रखें। कर आप सबको मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।